ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूँ जो हर एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही जरूरी होता है और नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है, वो बहुत ही काम आने वाली चीज है। हर कोई नया यूट्यूबर है उस चीज की उसे बिल्कुल सख्त जरूरत होती है, लेकिन नए यूट्यूबर उस चीज को खरीद नहीं सकते। कुछ लोग तो खरीद सकते हैं, बट कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पहले उस चीज को चाहे कम से कम पैसे में खरीद पाऊं या फिर उसे मैं घर पे बना लूं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं वही चीज़ आपको आज दिखाने वाला हूं कि एक लैंप की ज़रूरत होती है। ये देख सकते हैं आप, यहां पे एक लैंप मैंने आज बनाया है जो कि बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है और ये मैंने अपने घर में बनाया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कैसे बनती है ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट से लेकर आप एंड तक इस वीडियो को देखें, आपको पक्का पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। और ये जो लैंप है बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं, इसके यूज क्या है मैं आपको बताऊंगा। इससे वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लाइटिंग की प्रॉब्लम आती है वीडियो में कि लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही है, लाइट्स कम आते हैं। तो ये जो लैंप जो मैंने बनाया है इस लाइट के बाद आपकी ये लाइट की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और मैं एक चीज़ आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। पिछले वीडियो आपने देखे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के अपडेट यानी कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। और वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और बहुत ही यूजफुल ये लैंप है सभी के लिए और इसे आप सभी अपने घर में बनाएं बहुत ही आसानी से, बिना मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही कम खर्च में आप बना सकते हैं। खर्च क्या, बहुत ही कम खर्च है इसमें। तो प्लीज़ चलिए इस वीडियो को देखते हैं, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये लैंप जो है हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए होता है कार्डबोर्ड, तो वो हमने ले लिया है वो किराना स्टोर से। और देखिए इस कार्डबोर्ड को हम काट रहे हैं, चार कार्डबोर्ड की जरूरत है हमें इक्वल साइज की, तो इक्वल साइज की चार हम कार्डबोर्ड ले लेंगे। और यहाँ से मैं निशान लगा रहा हूँ, चार कार्डबोर्ड हमारे पास तैयार है। कटने के बाद ये हमने कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे दोनों कॉर्नर पे निशान लगाए हैं पेंसिल्स की मदद से। और यहाँ पे देखो एक साइड जो बिल्कुल कॉर्नर से और दूसरा जो 5 सेंटीमीटर हमने निशान लगाया है वहाँ से एक और निशान ले रहे हैं, या तो स्केल की मदद से आप लगा सकते हैं और यह निशान लगा सकते हैं। और ये जो निशान लगा है उसे हमें कट करना है। सिमिलरली इसी तरीके से चारों कार्डबोर्ड को हमें काट लेना है। उसके बाद हम जब कार्ड को काट लेंगे, चारों कार्डबोर्ड हमारे कट चुके हैं और इसे अब क्या करना है, जो चारों कार्डबोर्ड के किनारे हैं उसे हमें आपस में अच्छी तरीके से मजबूती से ब्राउन टेप की मदद से इस तरीके से जोड़ना है। ये तो अभी मैं टेम्प्रोरी जोड़ रहा, अभी देखो आप ये परमानेंट मैं कैसे जोड़ूँगा। देखिए किनारे अच्छे से जुड़ चुके हैं और ये अब एक शेप में आ चुका है लैंप का, जो कि स्टूडियो में यूज करते हैं लोग उसी तरीके का। ये हम बिल्कुल मुफ्त में बना रहे हैं, देखिए ये तैयार हो चुका है। ये मैंने एक नीचे से स्टैंड बना लिया था, थोड़ा सा बच गया था मटेरियल। और ये बैक के साइड पे मैंने होल्डर लगा दिया है यहाँ पे बल्ब का, नॉर्मल जो होल्डर होता है वो। और बैक के साइड पे भी हमने टेप की मदद से वो कार्डबोर्ड को ही चिपका के बनाया है। तो अब देखिए ये हमारा लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए इसकी लाइटें जला के देख लेते हैं। लाइट तो काफ़ी अच्छी आ रही है। जो हमारी जो लाइट की परेशानी होती थी ना, कि जब हम वीडियो बना रहे होते तो डे लाइट जैसी लाइट नहीं आती है, वीडियो में लाइटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी आप सभी लोगों को, तो वो लाइटिंग की प्रॉब्लम आपकी जो थी इसके बाद बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो देखिए इसमें अब हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि इसकी जो लाइटिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, लाइटिंग की शाइनिंग बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम एल्युमिनियम फॉइल यूज करके इसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से बन चुका है। और इसके जो कॉर्नर थे अभी रह गए थे, तो मैंने सेलो टेप की मदद से इसके कॉर्नर को, यानी कि जो एल्युमिनियम फॉइल था उसके कॉर्नर को अच्छे से हमने चिपका दिया है, पेस्ट कर दिया है, ताकि वो कभी निकल ना पाए। तो ये हमने पेस्ट कर लिया है और अब देखिए इसकी लाइटिंग किस तरीके की आती है, वो बहुत ही मज़ेदार लाइटिंग आएगी। तो ये देखिए इसकी जो लाइटिंग है बिल्कुल शाइनिंग के साथ है, जो चीज़ें हम पहले टॉर्च में देखा करते थे कि टॉर्च में इस तरीके की शाइनिंग की चीज़ें यूज की जाती थी, तो उस तरीके से ये शाइनिंग आती थी। और मैंने यूज किया है, देखिए नीचे स्टैंड भी मैंने एक टेम्प्रोरली बना दिया, टेम्प्रोरली क्या इस तरीके से, या तो आप चाहें तो किसी अच्छे से ऊँचे स्टैंड पर इसे फिक्स कर सकते हैं। और
ये जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है आप देखना नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा इसी लाइट की मदद से, तो देखना कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी आएगी और डे लाइट जैसी फीलिंग आती है। अब ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होती है। तो मेरा वीडियो आप सभी लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।